अगर किसी ने आपकी फसल को नष्ट किया है या वह अपने जानवरों के माध्यम से आपकी फसल को नष्ट कराया हो, जानबूझ के नष्ट कराया हो, ऐसी दशा पे आप उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं, आप उनको सलाखों के पीछे कर सकते हैं या नहीं, इस विषय को जानने के लिए आप मेरे चैनल पर यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आपकी कोई फसल रबी की हो या खरीफ की फसल हो, ऐसे इस इंटेंशन से या जानबूझ करके आपकी फसल को नष्ट किया गया हो या जानवर के माध्यम से नष्ट कराया गया हो, तो आपको कानून आपको अधिकार देता है कि आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 435 के अकॉर्डिंग आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, उसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं, जिसके तहत उसको 7 साल की सजा और साथ ही साथ उसको जुर्माना भी लगेगा। पहला इंटेंशन, उस इंटेंशन का मत सिर्फ श्रेय ये कि जब भी वह 10 रुपए से अधिक की फसल को नष्ट करता है या उसको इस इंटेंशन से कि उसके भाव में कमी आ जाए, उसके फसल में कमी आ जाए या उसके जब वो उत्पन्न हो जाती है फसल, उस फसल में उसके गिरावट आ जाए, तो इस प्रकार की दशा, इस दशा में आप उसके खिलाफ 435 धारा IPC की धारा 435 के अकॉर्डिंग उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। नंबर दूसरा, जब भी आपकी कोई पर्सनल सामग्री या सामान या ऐसा जो 100 रुपए से अधिक का कीमत रखता हो, तो ऐसी दशा पे यदि आप किसी व्यक्ति के माध्यम से उसको क्षति पहुंचाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी IPC की धारा 435 के अकॉर्डिंग उसको सलाखों के पीछे कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहें और आपको नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।